दोस्तों स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हम आ रखे हैं भगवती मोटर्स जो कि अपना करोल बाग में पड़ता है, और हमारे पास आ रखी सेल्टोस। उस सेल्टोस में हमारा जो सेमी इंटीरियर का काम हुआ है, तो भाई गाड़ी के पास लेके चलता हूँ। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ साफ़ सुथरा काम हुआ है, तो गाड़ी के पास लेके चलते हैं। एक बार काम दिखाता हूँ मैं आपको, फिर भैया से भी बात करेंगे जो कि पुनीत भैया यहाँ पे मिलेंगे आपको। जैसे आप देख सकते हो यहाँ रखे हम भगवती मोटर्स। अब मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ सेल्टोस, जो अपना इंटीरियर का काम हुआ है। मैं काम दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हो ये अपनी सेल्टोस रहने वाली है, और मेन काम इसमें इंटीरियर में हुआ है। जो हमने बाहर काम किया है सिर्फ एलॉयज़ लगे। मैं एक बार आपको एलॉयज़ का काम दिखाता हूँ, उसके बाद जो मेन काम इंटीरियर में हुआ अंदर की तरफ चलेंगे। आपको डिटेल में बताऊँगा भाई क्या क्या काम हुआ, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ सफाई के साथ काम हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो भाई एलॉय लगे अपने स्टार वाले, स्टार शेप एलॉय। भाई अच्छी लुक लग रही, काफ़ी अच्छी लुक लग रही है। जो हमने बाहर काम किया सिर्फ एलॉय का काम किया, मेन काम इंटीरियर में हुआ है जैसे मैंने बताया। तो आप अंदर की तरफ चलते हैं। तो अगर हम पहले डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आप देख सकते हो भाई क्वालिटी ऑफ वर्क। नॉर्मली मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा जो वुडन वर्क होता है ग्लॉसी में होता है, तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम जो है ये दिखाई जा रही है आपको कि भाई ये मैट में है, और ये चीज़ अंदर ट्विटर से लगे हुए हैं। तो ये आप ये देख सकते हो, डिटेलिंग देख सकते हो ऑफ वर्क। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिलर्स वगैरह, आप देख सकते हो भाई काफ़ी सफाई के साथ, काफ़ी अच्छा जो तसल्ली वाला काम कहते हैं ना वो है। उसके बाद ये स्टिचिंग देख रहे हो कितने प्रॉपरली हाईलाइट हुई है। अब मैं आपको धीरे धीरे एक चीज़ दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता चल जाए भाई क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपको यहाँ पे किस टाइप का मिलने वाला है। अगर हम इधर बात करते हैं तो वही सेम जो वुडन वर्क वो है सर। जैसे कि हमारी बात हुई थी कुछ, आप कह रहे थे कि मर्सिडीज में हमको ये वाला वर्क मिलता है, जो ये वाला जो पहले आज तक हमारा जितनी भी गाड़ियों में ट्रेंड था सब वो ग्लॉसी वुडन का ट्रेंड था। अभी दो साल से ई क्लास मर्सिडीज के अंदर था मैट फिनिश का वुडन है। ठीक है, तो ये वुडन बिल्कुल लेटेस्ट एक स्टाइल है, मतलब वो देख के हम काफी सालों से एक ही चीज देखते आ रहे हैं। अब इसके अंदर आप यहाँ देखो डिटेल में, यहाँ देखो यहाँ पर स्टीयरिंग के अंदर इंसर्ट्स में, ये डोर्स के अंदर इसकी पूरी हमने एक थीम रेडी करी है जी वुडन के अंदर। फिर उसके बाद मैचिंग आप देखिए, तो ये जो कलर है ये कलर स्कीम के साथ इस तरह का डैशबोर्ड जो है ये सेम स्टिच में आया हुआ है जी। फिर इसके बाद सबसे जो यूनिक चीज है वो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील अगर स्टीयरिंग व्हील देखिए तो वो इसमें वुडन का इंसर्ट भी है, इसके अंदर डबल कलर स्टिचिंग भी है। ये हमने पोर्शे का डिजाइन कॉपी किया है इसमें। ठीक है, हमारी जो पोर्शे कायन गाड़ी आती है उसके अंदर इस तरह का स्टीयरिंग व्हील में डबल कलर का काम आता है। ठीक है, इस तरह का है थोड़ा फील। और इसकी आप अगर इसकी यहाँ से भी एक बार आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहें तो इसके अंदर पूरा पूरा जो काम है वो बहुत फाइन, और बहुत इसको बनाने बनाने में हमारे को एक स्टीयरिंग को नॉर्मल से इस तरह का बनाने कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है। 5 घंटे का टाइम लग गया। तो आप देख सकते हो भाई मैं पूरा एक बार स्टीयरिंग घुमा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करते हैं हम इसको। ये देख लो आप भाई क्वालिटी ऑफ वर्क, ये वुडन का देखो आप, ऊपर भी काम है नीचे भी काम है। जो जो वुडन का हमने इधर फील दिया हुआ है अपने डैशबोर्ड पर भी फील दिया है, प्लस जो डोर्स पैनल पर भी फील दिया है, तो ये बिल्कुल ना गाड़ी को लग्जरी फील देता है। उसके अलावा सर मैं ये चीज़ एक नोटिस कर रहा हूँ, जो हमारे सीट कवर्स हैं जी, ये बकेट फिटिंग तो नहीं है, बट ये इसको बकेट नहीं, ये बकेट में क्या होता है एक हमारा रेडीमेड बैग होता है जी, उसको हम उसी टाइम हाथ के साथ सीटों में पंच करके जी, और उसमें नीचे क्लिप्स लगा के वो सीट कवर लगा देते हैं। ठीक है, हमारा एक रेडीमेड काम टाइप कहते हैं उसको। लेकिन ये जो है ये एक फ्रेम पंच वाला, ये अलग पैटर्न पे सीट्स बनती हैं जी। इन सीट्स के अंदर खासियत है, इसके अंदर ना तो कोई आपको जैसे दिखने वाले कांटे या इलास्टिक्स या कोई डोरी इस तरह का कोई काम नहीं होगा। आप पूरी एंड टू एंड इस गाड़ी को चेक करिए, आपको बिल्कुल इसकी जो फिनिशिंग मिलेगी ऐसी मिलेगी कि ये सीट कवर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, आपको इसका कोई लूज एंड नहीं मिल पाएगा, लूज एंड नहीं मिलेगा बिल्कुल। बाकी मैं ये चीज मैं आपको जैसे दिखा रहा था आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट को किया है। अभी सीट्स की आप टाइटनेस देखिए, ये आपकी सीटें जो है ना ये बहुत सालों तक घिसेंगी और फटेंगी, शेप फिर भी आउट नहीं होगी, शेप नहीं आउट होने वाला, शेप आउट नहीं होगी। तो आप शेप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बाहर से जाके पूरा प्रॉपरली डिटेल में दिखाऊंगा। सर आप बता रहे थे कि इसमें कोई हमारे वो पिन वगैरह कुछ नहीं लगे, कुछ नहीं, आप पीछे क्या सीट के नीचे भी जाके चेक करिए। हाँ जी, इसमें कहीं कोई क्लिप वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक जैसे बहुत अच्छी लग्जरी कार आती है उनके अंदर जिस हिसाब से सीटें आती हैं उनमें देखिए, उसके अंदर आपको कोई क्लिप वगैरह कुछ डोरी वगैरह नहीं दिखती, ये उसी पैटर्न पे सीटें बनती है हमारी। ठीक है, इसके लिए हमारी बहुत हाई क्वालिटी मशीनरी है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तभी उसी की वजह से ही हमारा जो फिटमेंट और ये जो क्वालिटी निकल के आती है। नॉर्मल मशीनों में हमारे पास ये फिटिंग नहीं आ पाती है, इसमें काफ़ी काम हाथ से और काफ़ी काम मशीन बेस्ड है। ठीक है, तो सारा काम ना हाथ से और ना मशीन से, दोनों का मिक्स फ्यूजन है इन सीटों में।
ठीक है, तो एक बार मैं रियर साइड पे भी जाके दिखाता हूँ। ऐसे सर कह रहे हैं कोई क्लिप्स वगैरह कुछ नहीं है, हम वहाँ से पूरा देखते हैं, मैं आपको वो डिटेल में दिखाता हूँ। फर्क दिखाइए कि कहाँ सीटों में फर्क आएगा, आप सीट के बैक में देखिए, पीछे पॉकेट एरिया में देखिए, आपको कहीं पे भी उसमें क्लिप एरिया टाइप कोई चीज नहीं दिखाई देगी। तो एक बार बैक साइड चलते हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ। रियर साइड पे आ गए तो रियर साइड पे भी जैसे आप देख सकते हो भाई वही काम जो है अपने चारों डोर पैनल पे हुआ। उसके अलावा मैं आपको पीछे से एक लुक दिखाना चाहता था भाई। अब आप गाड़ी की लुक देख सकते हो जो कि प्रॉपरली एक लग्जरी लुक आ रही है, जो पॉर्च टाइप का इंटीरियर जैसे सर बता रहे उसी टाइप का काम हुआ है गाड़ी में। और जो मेन हम बात कर रहे थे भाई, अब आप देख सकते हो सीट कवर्स की जो हम बात कर रहे थे, फिटिंग आप देख सकते हो। और जैसे सर ने बताया कि शेप नहीं आउट होने वाली, सीटें घिस जाएंगी, आप यूज़ कर करके थक जाओगे, बट ये सीटों की शेप आउट नहीं होने वाली। उसके अलावा अगर हम बहुत ही यूनिक चीज़ देखते हैं तो जो हमारी कंपनी फिटेड आती है ना, ये चीज़ से वो नीचे कारपेट लगा होता है, जो कंपनी से हमको सीट्स मिलती है वही चीज़ रहने वाली है भाई। ये नहीं कि पूरा ऊपर रैप लेदर रैप कर दिया। उसके अलावा कहीं भी कांटे आंटे आपको दिख रहे हो तो मेरे को बताना, आप देख सकते हो भाई कहीं कांटे वगैरह नहीं है। ये पिछली बार भी देखो, बाहर से दिखा रहा हूँ एक बार पूरी फिनिशिंग, आप देखो साइड से देख लो आप। उसके अलावा सर जैसे एक बार ये भी पीछे से दिखाना आप, ये देख लो आप पूरा, आपको कहीं कांटा वगैरह कहीं कुछ दिख रहा हो तो मेरे को आप बताना भाई पूरा, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आप देखो जरा हमारे पिलर्स वगैरह पे जो है काफ़ी साफ फिनिशिंग वाला काम हुआ है, अच्छे तरह से तसल्ली वाला। सर इस टाइप का जैसे हमारा सेमी पैकेज में आता है, इतनी गाड़ी को रेडी करने में कितना टाइम लग जाता है? दो दिन लगते हैं। कल सुबह 11 बजे आई थी, आज शाम को 4 बजे तक रेडी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको स्लोली पूरा गाड़ी का लुक दिखा रहा हूँ कि भाई किस टाइप का क्वालिटी ऑफ वर्क मिलने वाला है, ये आप देख सकते हो। बाकी पुनीत सर आपको मिलेंगे यहाँ पे भगवती मोटर्स पे, आप आइए कॉन्टैक्ट कीजिए। सर सारे पैकेज अपने पास है, मतलब एक्चुअली बहुत से लोगों ने आपके वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि सर आपको मारुति का वीडियो डालिए, आप हमारे पास मारुति की बहुत गाड़ियाँ इंडिया में पॉपुलर हैं जी। तो हमारे पास सिर्फ गाड़ी होनी चाहिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता वो मारुति की है या हुंडई की है या टाटा की है। हम लोगों को अपने काम का ये पता है कि इसमें हमने किस तरीके से इस गाड़ी की फिनिश और इसको तो कहाँ बेटर तरीके से इसमें काम करना है, मतलब किसी भी सेगमेंट की गाड़ी हो सभी के लिए काम हमारे यहाँ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पुनीत सर आपको यहाँ पे मिलेंगे, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप बात कर सकते हो सर से, बाकी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, सारा काम जो है हो जाएगा, है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।